यहाँ का अद्भुत स्वरूप देखकर तो मन आनंदित हो जा रहा है। यहाँ के भाव को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हर एक पेड़ पौधे साक्षात ठाकुर जी को, राधा रानी को, कन्हैया को दंडवत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक गुफा सी बन गई है कि जैसे गुफा है, और गुफा के अंदर अगर आप देखेंगे तो गुफा के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्वरूप देखिए, ये भाव देखिए, और ये भक्ति देखिए, हमारी लता पता पेड़ पौधे और भक्ति के केंद्र के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हमने प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति में भी ईश्वर को देखा है, प्रकृति में भी भगवान को देखा है। और यही प्रकृति में जहाँ पर दंडवत करती हुई ये तमाम शाखाएँ देखिए कैसे रज को स्पर्श करने के लिए एकदम आतुर हैं। इसी रज को स्पर्श करने के लिए जहाँ पर हमारे कान्हा जी, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी के छोटे छोटे पांव यहीं पर तो पड़े हैं, और यही लता पता खुद साक्षात दंडवत करती हुई नजर आ रही हैं, तो भक्ति का ऐसा सुंदर स्वरूप दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। जहाँ पर पेड़ पौधे भी ठाकुर जी कन्हैया जी की भक्ति करने के लिए एकदम आतुर होते हैं, पूरी शाखाएं जो है वो दंडवत करने के लिए, पूरी शाखाएं जो है ब्रज के रज को स्पर्श करने के लिए आतुर हैं, एकदम व्याकुल हैं। और देखिए पूज्य महाराज जी ने कैसे सुंदर वन को सजा रखा है, कैसे गुफा बना रखी है, एक एक पेड़ पौधे और पत्तियों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रकृति की पूजा करते हैं, आप अगर ब्रज के लता पता की पूजा करते हैं, तो आप साक्षात ठाकुर जी की, कन्हैया जी की पूजा करते हैं। तो आइए वन की ओर चलें, आइए जंगल की ओर चलें, जो हमारी ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे पूज्य संतगण दिखाई दे रहे हैं, उनका दर्शन, क्योंकि इन्होंने ही सनातन को बचा रखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया में अगर विश्व शांति की कामना के लिए कोई विजय पताका होगी तो वो सनातन की विजय पताका होगी। तो आइए सनातन स्वरूप पूज्य महाराज जी को दंडवत करते हैं, और फिर यहीं से प्रारंभ करते हैं विश्व शांति की एक कामना। जय जय हो, दंडवत। आज पूज्य संत महाराज जी का इतना स्वरूप और निर्मल स्वरूप देखकर तो आंखें बार बार छलक आती हैं। मैं तो पात्र भी नहीं हूं ऐसे पूज्य संतों के दर्शन के लिए और ऐसे संतों के साथ खड़े होने का, लेकिन ठाकुर जी की, राधा रानी की कुछ ऐसी कृपा है, थोड़ी कृपा है कि ऐसे पूज्य संतों का दर्शन, ऐसे पूज्य संतों जी का सानिध्य मिलता है। महाराज जी आज दुनिया पूरे द्वंद में लड़ रही है, युद्ध में लड़ रही है, चाहे इसराइल हमास का हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, जैसे लग रहा है कि दुनिया एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है, तो ये शांति का मार्ग कहाँ से निकलेगा? देखिए ये शांति का मार्ग ये की है जी, जो ठाकुर जी के भक्ति में है उसी में ही शांति है जी, जो ठाकुर जी के भजन कीर्तन में है इसमें, जब मन में शांति मिलेगा तब लड़ाई झगड़ा कम ही होगा जी, जब मन में शांति नहीं तो लड़ाई झगड़ा होते ही जाएगी जी। तो इसलिए एक की अगर कोई भगवान को नाम करे, भगवान को भजन करे, तो उसी को लड़ाई होने का संभावना नहीं रहता, क्योंकि उनका अंदर प्रेम भक्ति जग जाता है जी। जहाँ भक्ति नहीं हो कैसे प्रेम रहेगा? रहेगा नहीं। तो इसी कारण से ठाकुर जी का भजन करना जरूरी है जी। जो जहाँ पे है उसी जगह पे ठाकुर जी के स्मरण करना चाहिए दिन रात, जिस समय उसका समय मिले। ये नहीं जे वो बिस्ना में है, बिस्तर में है तो भगवान का स्नान बिना कैसे करे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई विधि में लिखे नहीं। ठाकुर जी का भजन तो कोई भी जगह बटकी करते, चाहे जंगल में, चाहे अपना घर में, चाहे कोई भी जगह में वो कर सकते, तो ठाकुर जी के भजन करना चाहिए। जो भगवान जी के भजन करते उसी के मन में हमेशा शांति रहते जी। चाहे खेती करते रहें, चाहे व्यापार करते रहें, चाहे कारोबार करते, बस बस बस, मेरे भी कहने का ही मतलब है, व्यापारी भी वो भगवान का नाम ले सकते, वो भी अपना व्यापार करते रहे, ठाकुर जी के स्मरण रखे, तो उसी के भी मन में शांति रहेगा, उसका घर परिवार शांति में भरा रहेगा हमेशा। यही मैं भी कहना चाहता हूँ। अभी पूरे दुनिया में रक्तपात बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में सिर्फ भारत है, भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारत का जो नेतृत्व है वो केवल शांति की बात करते हैं कि शांति आनी चाहिए, बाकी सब कहते हैं कि हम हथियार दे रहे हैं लड़ जाओ, बाकी दूसरे कहते हैं कि हम तलवार दे रहे हैं तुम लड़ जाओ, मतलब दूसरे को एक दूसरे को लड़ाने के, लेकिन भारत से शांति की बात उठती है महाराज। देखिए भारत की शांति बोले तो जब से हमारा मोदी जी आए जी, तो उसी समय से आज शांति इतना मिला, जोगी जी और मोदी जी आने पर लड़ाई झगड़ा तो हमारे भारत में इतना कम हो रहा है, इतना कम है, और शांति की शांति जहाँ भी जाओ
जोगी जी के नाम, जहाँ भी जाओ मोदी जी के नाम, इन्हीं का महिमा जो कितना पहले पुनर्जन्म में इन लोग भगवान की तपस्या किए थे। आज अगर सबको मन में थोड़ा सा शांति रखे तो यही दोनों आदमी रखे, आज मोदी जी और जोगी जी। भगवान इनके सदा उन्हीं के सद्बुद्धि दे, हर समय भक्तों को रक्षा करे। भगवान को जो भक्त है इसी का रक्षा करते जाए। हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से, जब हमेशा उन्हीं को सद्बुद्धि दे, मोदी जी को, जोगी जी को, आज जैसा देख रहे हैं आगे भी ऐसा देखते जाए और आगे भी उनका कर्म सफल हो। यहाँ देख रहे हैं पूरा वन जो है चारों तरफ वन ही वन है, और लता पता से एक एक आवाज लगती है, जैसे कान लगाते हैं तो राधे कृष्ण की आवाज आती है। देखिए ये तो ठाकुर जी के गोचरण स्थान, यही पे दो दो नीला है। एक तो ठाकुर जी बचपन में गैया चराने आते थे, यहाँ पे भंडीर वन में शादी हुआ, तो गोचरण स्थान की ये है। यहाँ ठाकुर जी आज जो बरगद के पेड़ देख रहा है, इसी पेड़ में बैठ के ठाकुर जी बंसी बजाते थे, और गैया कितना भी दूर चला जाए तो उसी के बंसी के द्वारा बुलाते थे और दौड़ी चली आते, दौड़ी चली आते थे ठाकुर जी के पास जी। तो एक नीला ये जो बंसी की आवाज, आज अगर कोई भक्त है तो बंसी बट में अगर ठाकुर जी के स्मरण करके बरगद के पेड़ में अगर पास परिक्रमा लगा, एक कान बंद करे तो जी, एक कान बंद करे, एक कान पेड़ के साथ अच्छा सुनाई देते है उस बंसी की आवाज। और भंडीर वन में शादी हुआ तो उसी में महाराज हुए थे, शरद पूर्णिमा पहला शरद पूर्णिमा में महाराज हुआ, उसी महाराज के कुछ अनुभव आज भी भक्तों को होता है। जैसे ढोलक मृदंग बजे थे तो वैसा कुछ आवाज ये पेड़ से आज भी सुनाई देते। अगर किसी के अंदर भक्ति श्रद्धा है, ठाकुर जी के प्रिय है, तो वो आज भी पेड़ के चार परिक्रमा लगाए तो कान एक बंद कर एक पेड़ के साथ लगाए तो ढोलक की आवाज आते हैं जी। अपना भक्ति के ऊपर, जिसी के अंदर भक्ति नहीं उसी के कुछ नहीं सुनाई देते, और जिसके अंदर भक्ति की है उसी का तो एकदम साक्षात महाराज कर रहे। कोई कोई तो ऐसे बताते तो साक्षात महाराज में जो ढोलक मर्दनी बजाते वैसा ही लग रहा है एकदम, वो तो आनंद में हो जाए। आज जिसी के अंदर भक्ति नहीं वो सिर्फ पक्षी की आवाज सुनता है, यहाँ इतना पक्षी है क्या बताए। आप अगर कभी दिन में आओगे तो देखोगे जी यहाँ कितना पक्षी है, ये साक्षात एक ही जगह, यहाँ आप देखोगे नवला घूम रहा है, सांप घूम रहा है, मोर एक ही साथ घूमते। हम पहली बार देखे जी ये बंसीवट धाम में, देखे जी एक साथ तीन चीज कैसे रह सकता है। तो ये ठाकुर जी के आप देखोगे मेरा बगल से सांप ऐसा घूमेगा कोई बगल में, बगल से जी, इतना बगल से घूमेगा मतलब हम भी कभी अगर नयन चना जाए डर जाएगा, लेकिन ये सांप काटते नहीं जी, ये सांप यहाँ के सांप काटते नहीं जी, मोटा मोटा सांप है लेकिन ये एक भी काटते नहीं। आपके बगल से जाएंगे, बगल से जाएंगे बैठ कर, बस एकदम ज्यादा से 2-3 फुट दूर से चला जाएगा इतना, लेकिन वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। दिन रात किसी भी समय आ सकते हैं लेकिन किसी को कहीं नहीं करते जी। ये है बंसी बट के नीले, ये सब ठाकुर जी के नीला है जी जी जी। ये ठाकुर तो जैसे हमारे ठाकुर जी के समय में सारा वातावरण था वैसा ही वातावरण यहाँ पर दिखाई देता, वैसा ही वातावरण यहाँ ही वास्तव है जी। ये वन में आज भी ऐसा ही है, अगर कोई भक्ति से देखे ना ये वन में आज भी ऐसा ही वातावरण है जी। इतना अच्छा लगे मेरा तो ये वन, इतना अच्छा लगे पूछो मत। मन हमारा हमेशा कहता है यही वन में मेरा शरीर रखेंगे, अगर ठाकुर जी चाहे तो यही वन में मैं शरीर रखेंगे और कोई जगह हम नहीं जाएंगे जी। इसी वन में मेरा, इसी में पसंद आर मेरा ठाकुर जी इसी में जी। बहुत लोग तो आजकल बड़े बड़े कोठी बड़े बड़े महल बनाते हैं और उसमें भी सुख नहीं पाते, आप तो इस लता पता और वन में ही सुख के आनंद के चरम पर हैं। बस 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 मेरे यही पे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। सुबेरे हम उठे ना तो देखो कि पक्षी मेरा सामने आके चला जाता है, कुछ खाने दो बाबा, तो बोलने नहीं पाता, भाषा उनको समझते नहीं, लेकिन पक्षी सामने आ जाएगा कुछ देगा तो आराम से खाते रहता है। उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना अंदर सब लोग मिलजुल के खाता है, दो अगर बिस्कुट फेंकोगे कोई भी दाना डालोगे तो इतना प्रेम से खाता है, उनके अंदर कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है जी। सब दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले, महाराज जी का दर्शन करने हो, चलो दर्शन कर ले महाराज, ठाकुर जी के नीला स्थान आता है ठाकुर जी के दर्शन करने, किंतु वो डरते नहीं कोई साधु संतों से, यहाँ के पशु पक्षी डरते नहीं साधु संतों से कम डरते नहीं जी। यहाँ की इतना अच्छा जगह है जी, हर एक लता पता में हर एक वातावरण में बस यहाँ राधा रानी ठाकुर जी का ही बस जाप है, जो भाव से देखे उसी के पास। तो वन में अगर कोई चाहे जो हम साक्षात भगवान को दर्शन करेंगे, अगर वो साक्षात भगवान के चाहते है तो उसी के दर्शन हो सकता है, मेरा विश्वास है, मेरा गुरु का ऊपर मेरा भी विश्वास है जी। कोई अगर चाहे ऐसा जब भगवान का दर्शन आज भी करेंगे तो वन में कर सकते जी। एकांत बैठ के अगर भगवान को प्रार्थना करे तो उसी के दर्शन हो सकते हैं। ये वन इतना अच्छा है।
जी। तो पूज्य महाराज जी ने बताया कि अगर साक्षात ठाकुर जी के आपको दर्शन करने हैं, अगर साक्षात राधा रानी के दर्शन करने हैं, तो सच्चे मन से, सच्चे भक्ति के भाव से आप एक बार आकर देखिए ना, तो इन लता और पता में आपको ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन होंगे। भक्ति का वो स्वरूप आपको दिखाई देगा जो कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर एक कण में हमारे ठाकुर जी और राधा रानी यहीं पर बसे हैं, यहीं पर उनकी आत्मा है, यहीं पर उनका भाव है, और यहीं पर उनकी भक्ति का वो स्वरूप है जिसको पाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं, हम सब भटकते रहते। आप 100 बार बाके बिहारी जी के दर्शन करिए, आप 100 बार गोवर्धन जी के परिक्रमा लगाइए, लेकिन ब्रज में हैं और ब्रज में आते हैं तो एक बार लता और पता के बीच में भी पहुंचिए, एक बार इन वृक्षों के बीच में भी पहुंचिए, एक बार गोचारण के उस स्थान पर पहुंचिए जहां पर ठाकुर जी अपनी गैया मैया को लेकर चले थे और दौड़ लगाए थे नंगे पांव। और इसीलिए मैंने दिखाया ना, यहाँ पर भी साक्षात देखिए कि कैसे दंडवती कर रहे हैं ये वृक्ष, कैसे ठाकुर जी के रज को पाने के लिए लालायित हैं। यानी दुनिया में बहुत सारे वृक्ष देखेंगे, लेकिन ऐसे वृक्ष का दर्शन आपको नहीं होगा, ऐसे वृक्ष आपको दिखाई नहीं देंगे जो एकदम साष्टांग दंडवत कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी को, क्योंकि इसी रज में पांव पड़े हैं हमारे ठाकुर जी के, तो इसीलिए हमारे ये जो वृक्ष हैं वो दंडवत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की शाखा देखिए, यहाँ से निकलती हुई शाखा ये जा रही है, और ये शाखा वृक्ष की फिर दंडवत, बार बार जितनी बार मौका मिलता है, जितनी बार अवसर मिलता है, वो सारी शाखाएं, वो सारे पेड़ की जो डालियां हैं वो दंडवत करके झुकना चाहती हैं और ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रणाम करते हैं। तो जहाँ पेड़ प्रमाण है, जहां पर वृक्ष प्रमाण है, भक्ति के प्रमाण है, तो इससे बड़ी भक्ति का स्वरूप, इससे बड़े भक्ति का दर्शन आपको कहीं नहीं दिखाई दे सकता। तो आइए पूज्य संत महाराज जी लोगों के चरणों में चलिए और ऐसे वृक्षों के दर्शन करिए जो साक्षात ठाकुर जी राधा रानी को दंडवत करते हुए दिखाई देते हैं। आइए देखिए पूज्य महाराज जी की कुटिया में हमारे राधा रानी और ठाकुर जी का वो स्वरूप देखिए, कितनी भावपूर्ण तरीके से पूज्य महाराज जी ने झांकी का दर्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी का दर्शन यहाँ देखने को मिल रहा। गुफा बनी हुई है और इस गुफा में पूज्य महाराज जी यहीं पर साधना करते हैं, यहीं पर भक्ति करते हैं, यहीं भक्ति में लीन रहते हैं। भावपूर्ण दर्शन कन्हैया के मेरे ठाकुर जी का, मुरली धारण किए हुए भगवान ठाकुर जी राधा रानी के साथ जो है दर्शन दे रहे हैं, कितना भावपूर्ण दर्शन है। और ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर जब साधना होगी, जब भक्ति होगी, तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति का वो स्वरूप, भक्ति का वो चरम कितने शीर्ष पर होगा, जहाँ पर इतना सुंदर रमणीय स्थल और स्थान पूज्य महाराज जी ने बना रखा है। तो भावपूर्ण दर्शन, भावपूर्ण नमन, भावपूर्ण वंदन, ठाकुर जी राधा रानी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे बैठो, कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठ।